व्लॉग, क्या हाल है जी सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी बच्चे चले गए हुए हैं स्कूल एज़ यूजुअल और अदील चले गए हैं ऑफिस और मैं अभी थोड़ी सी रेडी शेडी हुई थी। मैंने कहा चलो जी आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज अगेन बहुत गर्मी है भाई, ये गर्मी क्यों नहीं जा रही ये देखिए। अच्छे बड़े बादल आते थे, बारिश होती थी, इतना प्यारा प्यारा मौसम रहता था। अब इतने दिन हो गए कोई बारिश कोई बादल कोई नामो निशान ही नहीं किसी चीज़ का। हेल्पर आई हुई है, वो ऊपर से सफाई करी है। आज जो है ना मैंने ऊपर से सफाई करवानी थी और आज आपको थोड़ा सा ऊपर से भी दिखा दूँगी कि मैंने ऊपर क्या रखा हुआ है। वैसे तो ऊपर जो है वो ज़्यादातर खाली है। तो हाँ जी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जी आपका अपना घर है? नहीं, अपना घर नहीं है भाई, रेंट पर आए हैं अभी, अपना घर नहीं है हमारा, ये वाला घर रेंट पे है। ठीक है जी, तो मैं क्या चले लगे हाथ आपको ये भी बता देती हूँ। और चले जी अब चलते हैं किचन में। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मैं एक्चुअली जो है वो सुबह ऐसे ही थोड़े से फालतू काम थे थोड़े से वो करी थी और उसके बाद करते करते थोड़ी सी रेडी शेडी हुई और बस अब मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। नाश्ता भी अभी मैंने नहीं किया, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे का आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है आज। लेकिन जी उससे पहले आप लोग कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे अच्छे अच्छे से, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे और आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले जब आप लोग लाइक करेंगे। तो लाइक प्लीज़ लाजमी कर दें। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोग लाइक कर दे वीडियो, उसके बाद आप लोग आगे की वीडियो देखेगा और वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। आप लोग वही सवाल मुझसे बार बार पूछ होते हैं जो मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ। और क्यों? क्योंकि आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते, तो काइंडली प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा करें एंड तक, तो बहुत सी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी और बहुत से सवाल के जवाब बाद भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है जी, तो बस जी चलते हैं अब किचन में, नाश्ता बनाते हैं, आप लोग लाइक करते हैं। और आज जी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ऑमलेट खा लेती हूँ क्योंकि बड़े दिनों से मैंने ऑमलेट नहीं खाया है। बार बार वही मैं बॉयलर खा रही थी। एक्चुअली सुबह मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ, एंड तक मेरी डाइटिंग होती नहीं है। एक्चुअली बीच में जो है ना ये बर्थडे का और वैसे थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, इस वजह से भी जो है ना, फिर वीकेंड था, बच्चों ने खाना था, इन्होंने पिज्ज़ा मंगा लिया, तो इस वजह से ना मेरी थोड़ी डाइट जो है वो ख़राब होगी। मतलब प्रॉपर डाइट मेरी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है कि मैं सही तरह प्रॉपर डाइट करूँ। खैर मीठा मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं ज़्यादातर नहीं ले रही हूँ, मीठा नहीं ले रही। मतलब शुगर तो मैंने कब की स्किप की हुई है, चाय में से सब कुछ, और मिल्क शेक भी मैंने छोड़ दिया हुआ है, मिल्क शेक भी मैं नहीं पी रही हूँ। फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ और नाश्ता इस तरह कर लेती हूँ। पोषण कंट्रोल, बेसिकली थोड़ा सा पोषण कंट्रोल कर रही हूँ, बस ये थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है अभी तक, लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं शुरू की है मैंने। अच्छा एक्चुअली ना मुझे करनी है अपनी वॉक स्टार्ट ट्रेडमिल पे, जो कि मैं जो है वो कर नहीं पा रही हूँ, उसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा है कि ये जो है ना मेरा डाइनिंग रूम, बेसिकली जो डाइनिंग रूम मैंने इसको इस तरह मैट्रेसेस वगैरह रख के बनाया हुआ एक रूम, ये हम बेसिकली रूम ही बनाएंगे, इधर एक बेड है वो लेकर आने हैं मुझे। तो खैर यहाँ पे ना मैंने अपनी ट्रेडमिल ऊपर से उतरवाई थी नीचे, ठीक है, और मैंने ट्रेडमिल यूज़ करनी थी। मैंने कहा था चलो मैं सुबह बच्चे को स्कूल भेज के जो है ना वॉक कर लिया करूँगी, क्योंकि ना वॉक बहुत ज़रूरी होती है और मैं वॉक ही कर सकती हूँ, मैं और ज़्यादा कुछ डाइट वगैरह नहीं कर सकती। तो वो क्या हुआ, हमने इसकी ऑयलिंग तो की है क्योंकि ये सही तरह चल नहीं रही थी, ऑयलिंग की है, लेकिन फिर भी ना जब मैं उसके ऊपर खड़ी होती हूँ तो ये रुक जाती है ना। तो खैर अभी मैंने दिल को कहा हुआ है कि बंदे को किसी को लेकर आएँ और इसको करवाएँ, और कब की मैं दिल के पीछे पड़ी हूँ जो कि वो दिल काबू नहीं आ रहा, दिल को टाइम भी नहीं मिल रहा, तो फिर इस वजह से रहती रहते कितने दिन हो गए इसको। ऑयलिंग मैंने की थी लेकिन ऑयलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं अब क्या मसला है इसका जो है ना वो ये चीज़ होती है ना, ये वाली शायद ख़राब हो गई है या क्या है ना, ये सही तरह चल नहीं रही। तो वो खैर हम करेंगे इसको ठीक करके, मैंने वॉक स्टार्ट करनी है और जो है ना मेरा दिल है कि मैं सुबह में वॉक कर लिया करूँ, तो उससे जो है ना वो काफ़ी थोड़ा फर्क पड़ता है और मैं वही कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा डाइट नहीं कर सकती हूँ और जिनके साथ मैं रहती हूँ ना वो मुझे डाइट करने ही नहीं देते, वो कहते हैं मैं खा रहा हूँ चलो तुम भी खा लो, तो वो तो मुझे बिल्कुल डाइट नहीं करने देते ना। तो खैर ये थी वजह जी, और चलें अब बनाते हैं अपना नाश्ता। और मैं आज ऑमलेट बना दी हूँ और साथ
ब्रेड लेती हूँ, मल्टीग्रेन ब्रेड। ठीक है चलिए जी, सबसे पहले चाय रख लेती हूँ मैं और उसके बाद ऑमलेट बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए जी, धनिया कितना अभी तक ठीक ठाक है, इस तरह से मैंने रखा हुआ है बॉक्स के अंदर और बस ये वॉश हुआ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको जो है ना, मैं जितना मुझे चाहिए होता मैं इधर फिर मैं डाल देती हूँ और ये बड़ा ही इजी पीजी काम हो जाता है। ठीक है जी, एक मैं सबज में भी काट लूँगी, बस सिंपल सा थोड़ा सा ऑमलेट बनाएंगे हम। चलें जी फटाफट से अब मैं ऑमलेट भी रेडी कर लूँगी और दो अंडों का ऑमलेट मैं बनाती हूँ और साथ में ब्रेड लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रखी हुई थी एक तरफ और एक तरफ मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही थी, बस नमक मिर्च वगैरह डाला था और बस जी हमारा ऑमलेट जो है वो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएगा। इतनी जल्दी काम होते होते तो क्या ही बात थी। तो खैर जी, ये हमारा ऑमलेट जो है वो ढल गया है। और अब आप लोग पूछ रहे थे कि जो LED लाइट्स मैंने लगवाई हुई हैं ये कैसे लगवाई हैं, ये मैंने जो है ना इलेक्ट्रिशियन बुलवा के तो लगवा ली थी, तो ये काफ़ी इजीली लग जाती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो मुझे जो है वो बड़ी अच्छी लगती थी काफ़ी अर्से से, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ लगवा लेती हूँ। और बस ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी जो है ना मैं विटामिंस यूज़ करती हूँ, मल्टीविटामिंस, तो ये दो हैं, एक है ये जी न्यूट्रीफैक्टर की और एक है ये हर्बियोटिक्स की। ये वाली जो है ना मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है और ये बोन्स कैल्शियम विटामिन D3 के लिए ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, मेरी गायनी के डॉक्टर ने। और ये वाली जो है ना ये मैं खुद से लेती हूँ और ये है जी, ये आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं दोनों जो है ना एक एक सुबह में खा लेती हूँ, बस दोनों की टैबलेट एक एक होती है, रोज़ाना एक टैबलेट। ये देखिए जी, ये है जी मेरा ऑमलेट, ब्रेड और साथ में चाय। और ये देखिए जी मेरे फूल मैंने इसके अंदर सेट किए थे लेकिन अब ये ना हो गए हैं, थोड़े थोड़े से ड्राई होते जा रहे हैं, सोची थी इनका पानी चेंज कर दूं फिर शायद ठीक हो जाएंगे पता नहीं, लेकिन अब ज़ाहिर है इन्होंने मुरझाना तो है ही है, ऐसे ही तो नहीं रहेंगे ये। ठीक है चलें जी, अपना नाश्ता करती हूँ, साथ में TV लगाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ नाश्ता, सुकून का मी टाइम। चलिए जी, मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के साथ मैंने अपना फेवरेट सीरियल देखा, ड्रामा देखा है जो कि मुझे आजकल बड़ा ही पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा आई एम श्योर, कभी मैं कभी तुम। और मैं वैसे ड्रामास नहीं देखती, कोई सीरियल्स वगैरह ज़्यादा नहीं देखती मैं, बाद मुस्तफ़ा ने बड़े अरसे बाद कोई ड्रामा किया तो ये तो मुझे इसलिए देखना ज़रूरी था क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो खैर मैंने वो ड्रामा देखा, बड़ा मज़ा आया मुझे देख के, रोई भी मैं उसकी वजह से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बस बहुत सेंसिटिव लोगों के लिए ना, मैं इस वजह से ड्रामे नहीं देखती, मैं ना बड़ी घुस जाती हूँ ड्रामे के बीच में, मैं वही कहती हूँ मुझे ड्रामा ही नहीं देखना, ना मैं मूवीज़ देखती हूँ ना मैं ड्रामाज देखती हूँ, मैं कहती मुझे नहीं देखना भाई, वरना मेरी ना मैं उनको इतनी घुस जाती हूँ उनके अंदर कि मेरी रोने और बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं, तो मैं कहती हूँ ना भाई ना मैंने नहीं देखना कुछ भी। तो खैर जी, अब मैं बनाने लगी हूँ चावल और बॉयल चावल बना रही हूँ आज, उसके लिए मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए और यहाँ पे मैंने चावल सुबह के भिगो के रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि चलो चावल बना लेती हूँ। अदिल कह रहे थे आज चावल बना लो क्योंकि आलू चिकन का सालन मैंने बनाया हुआ था तो वो खैर पड़ा हुआ था, तो अदिल ने कहा कि वो ना मुझे शोरबा चावलों के ऊपर डाल के खाना है, उनकी तबीयत नहीं थोड़ी ठीक है गला वगैरह, तो वो कहे थे कि मेरा उसका दिल कर रहा है, मैं चलो ठीक है कहते चावल बॉयल कर लेना, मैं कहा ठीक है जी मैं चावल बॉईल कर लूँगी, तो बस मैंने उसके लिए पानी रखा है, चावल बॉईल करती हूँ और मैं थोड़े से ज़्यादा कर ली हैं क्योंकि ना मैंने कहा जैवी के लिए मैं मीठे चावल भी बना लेती हूँ उसके लिए रेनबो राइस, तो वो भी मैं बीच में से थोड़े से निकाल लूँगी उसके लिए, तो मीठे चावल भी बना दूँगी क्योंकि कल रात को उसको याद आ गए थे कि मामा मुझे मीठे चावल खाने रेनबो राइस खाने, मन का नहीं बेटा अभी तो नहीं बन सकते अभी अब सो जाओ, तो मैं कहा चलो आज साथ वो भी बना लेती हूँ थोड़े से। चले जी, इधर मैंने एक तरफ जो है ना वो चावल बॉईल होने के लिए, बॉईल तो हो गए हुए थे तो बस उसको दम देना था, वो मैंने लगाया था और बीच में से मैंने निकाल लिए थे मीठे चावलों के लिए भी, वो भी मैं एक साइड पे बना रही थी मेरे बेटे के रेनबो राइस तो बस ये भी जो है ना जल्दी जल्दी से मैं रेडी कर लूँगी, बहुत ईजी होते हैं बहुत, मैंने तो अंदाजे से ही सब कुछ ऐड किया था, चीनी वगैरह सब कुछ। चले जी, मैंने जो है वो चावल दम पे रख दी है, एक का दम तो हो गया, दूसरे मीठे चावल जो है उनका दम मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे जी मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से फ्रूट चाट भी बना के रख देती हूँ फ्रिज में, और
बाल ज़्यादा मुझसे काम नहीं होता। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जी मैंने ना कीमे के लिए गोश्त रखा हुआ है, निकाल के ये पिघल जाएगा ना तो उसका कीमा करवाना है। और यहाँ पे जी मैंने ड्रम स्टिक्स निकाल के रखी हैं, मैं सोच रही थी कि रात को ना बच्चों को फ्राइड चिकन बना दूँगी, तो वो मैंने उसके लिए ड्रम स्टिक्स निकाल के रखी हुई क्योंकि मैं बाकी चीज़ें लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज रात को जो है वो ये कर लेते हैं। दिन में तो हम चिकन और चावल खा लेंगे, तो रात में जो है ना मैं बच्चों को और हम लोग मतलब मिल के ना फ्राइड चिकन खा लेंगे, ठीक है। तो अब मैं लेकर आई हूँ जी, मैंने कहा चलो फ्रीज़र भी जो है ना वो अच्छा खासा फुल हुआ हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी बना के तो कुछ हम खा लेंगे, कुछ मैं फ्रीज कर दूँगी, ठीक है। तो बस अब मैं जल्दी से ना यहाँ पे फ्रूट चाट बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो अभी जो है ना किचन से फारग होके फ्रूट चाट वगैरह मैंने बना दी थी और बाकी सारे काम भी मैंने कर लिए थे किचन के। अब जो है ना बस चिकन को मैरिनेट बाद में करूँगी जब वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, मुझे याद ही नहीं रहा वरना मैं सुबह उसको कर देती। तो खैर, अभी मैं बच्चों के रूम में आई थी, बच्चों की जो है ना मैं बेड शीट्स चेंज करने लगी थी, तो मैंने ना ये एक जगह से बेड शीट्स मंगवाई थी। आप लोग पूछते हैं कि बच्चों की बेड शीट्स आप कहाँ से लेती हैं कहाँ से लेती हैं, तो मैंने कहा कि चलो अभी मैंने ये मंगवाई थी एक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, और उन्होंने भी मुझे भेजी हैं, तो देखते हैं कि खोल के कैसी हैं, कैसा मटेरियल है। और बच्चों की बेडशीट चेंज करनी थी वो भी करती हूँ साथ साथ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ, तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ ही ओपन करते हैं इसको और देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ना मेरे पास बच्चों की बेड शीट्स अब नहीं है, क्योंकि मेरे पास डबल होती थी और अब वो डबल जो है वो सिंगल पे आती नहीं है, अब सिंगल दो बेड हो गए हैं, वो डबल वाली बेड शीट्स जो है ना वो मैंने अभी रखी हुई है। मैं कही थी चलो इनका कुछ जुगाड़ करूँगी फिर, लेकिन फिलहाल जो है ना बिछाने के लिए बहुत कम बेड शीट्स है ना मेरे पास बच्चों के रूम की, इसलिए मैंने ये मंगवाई थी। तो अब देखते हैं जी कैसी हैं। चलें, अब मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ना ये खोल के बिछा के तो फिर दिखाती हूँ, बल्कि मेरे साथ आपके बिछाती हूँ, आप लोग देखें, ठीक है। अच्छा, ये मैं ओपन कर रही थी, तो इनका जो है ना बहुत बड़ा कोई पेज नहीं है, स्मॉल बिजनेस है, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। और उन्होंने ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बेडशीट्स, वाटर मैट्रेस कवर, मशीन कवर्स, फ्लोर मैट्स, तो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना यहाँ पर दिया हुआ है। तो खैर, इन जो बेडशीट्स मंगवाई हैं इसका जो है ना मैं इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक, इनका व्हाट्सएप नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना हम खोल के देखते हैं कि कैसी है और बिछा के देखते हैं कि कैसी है, ठीक है जी। देखिए, जब मैं खोल रही थी तो मुझे इतनी पसंद आई है, ये देखिए इतना बड़ा सोनिक बना हुआ है इसके ऊपर। मैंने सोनिक वाली मंगवाई थी क्योंकि बच्चों को ना मेरे सोनिक वाली बहुत पसंद है, तो मैंने फिर ये सोनिक वाली दोनों की सेम ऑर्डर की थी, महंगा वरना लड़ाई हो जानी है। तो इन दोनों की जो है ना, ये देखिए सोनिक वाली कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत अच्छी है, और कपड़ा भी अच्छा है इसका, वेरी नाइस, बहुत प्यारी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जल्दी से इन दोनों को बिछाती हूँ और देखते हैं कि बिछा के कैसी लगती हैं, वैसे देखने में तो बहुत प्यारी लग रही हैं, ठीक है जी। ये देखिए कितने प्यारे सोनिक बने हैं, बच्चों ने तो आगे खुश हो जाना स्कूल से देख के क्योंकि उनको मैंने नहीं बताया हुआ था, उनके लिए मैंने सरप्राइज रखा हुआ था, ठीक है जी। चलिए, अब मैं ये जल्दी से बिछाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना, कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है। एक ये वाली, दोनों सेम है, और ये वाली, वाओ बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, और कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, लेट्स सी, ठीक है जी। तो कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और अगर आप लोगों को ऐसी बेडशीट्स चाहिए बच्चों की, स्पेशली बच्चों की या अपनी भी दूसरी भी कोई भी, तो आप लोग इस पेज पे जाएं, विज़िट करें, और उनको मैं जो है ना इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ पर आप जाइए उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नंबर भी मैं दे दूँगी उनका, व्हाट्सएप नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप बच्चों की बेडशीट्स कहाँ से लेते हैं, तो जाहिर है आप तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ कहीं, या मुझे यहाँ पर ज़्यादा पता नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है,
इस्लामाबाद मेरा अभी चक्कर नहीं लगना था और बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे ना बच्चों की बेडशीट्स ना चेंज, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास है नहीं सिंगल बेडशीट्स ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ से ऑर्डर किए। कितनी ब्राइट ब्राइट सा कमरा लग रहा है, कितना अच्छा, बच्चे तो खुश हो जाने हैं देख के माशाल्लाह। चलिए जी, अभी ये दिल का फ़ोन आया है कि मैं जो है वो बाहर आ गया हूँ, आ रहा हूँ, बच्चों को ले लो। बच्चे आ गए हैं स्कूल से। मुझे पहले फ़ोन करते थे, मैं ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ गए कहाँ गए, आई नहीं अभी तक। आ गए बच्चे, फला हालत देखो पसीने से। कम ऑन बेबी, अंदर आए, अंदर आके मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन पहले आप अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, अंदर। वेट, यू गाइस कम, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आज जल्दी से सरप्राइज है एक आप लोगों के लिए। या या लुक, हम खुल वो क्या था ये क्या है, आप बताएं क्या है, है? शर्म आ क्यों रहे हो आप लोग, है? कैसी लग रही है, है? हाँ कैसी है, अच्छा है जेबू, अच्छा अच्छा है। चलो जी, अच्छी लगी आप जेबू, योर फेवरेट सोनिक? Yes? मुझे समझी, एक स्पेशल टॉय था। ओहो, अब आज तेज नकल्स सोनिक के ऊपर सुनूंगा। हाँ, कैसा है फिर, है ना, अच्छी लग रही है ना, बहुत ज्यादा वेट होने का। चले वो क्या था, चले आ जाइए, मैं आप लोगों के शूज वगैरह उतारूं, शावर लें और उसके बाद खाना खाते हैं, ठीक है जी। चलो भैया, मैं बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दूं, बच्चों को पहले परेशान होगा पता क्या चीज़ है। चलो जी, मैं जो है ना करने लगी हूँ अब ये चिकन मैरिनेट। ये मैंने लेग पीस ले लिए थे, इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा लिया और इसको मैंने सिरके वाले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, ताकि ना ये सारा इसका ब्लड वगैरह निकल जाए, ठीक है जी। और मैंने कट्स भी लगा लिए इसके ऊपर, और अब मैं इस पर मसाला वगैरह लगाती हूँ, मतलब और थोड़ी हल्की रखूँगी नमक मिर्च, क्योंकि ना बच्चों ने खानी, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं करती। ये जी, मैंने थोड़ा सा नमक बीच में डाल दिया है। ये जी, रेड चिली पाउडर ऐड किया, मैंने सब कुछ अंदाजे से ही किया था और ठीक बन गया था। ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था, जिंजर पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया था, आप जो है वो साबुत भी डाल सकते हैं, मतलब फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर पड़े थे तो मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा वो ऐड कर दिया था, और साथ ही ये पेपरिका पाउडर भी थी मेरे पास पड़ी हुई, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस, और थोड़ा सा जो है ना मैं मस्टर्ड पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इससे भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और बस इसके अंदर जो है ना मेरे पास ये बारबेक्यू केचप पड़ी हुई थी, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चिकन के अंदर, तो ये भी मैंने बीच में ऐड कर दी। और बस इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स करके जो है ना जब सारी मतलब चिकन पे कोट हो जाएगा, तो थोड़ी देर मैंने बाहर रखा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और बस जी, फिर मैं, क्योंकि हमने ये रात को खाना था, तो मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए चिकन, तो बस जी रात को ना मैंने बच्चों को तो पहले ही बना के दे दिए थे, तो उनके लिए मैंने ना थोड़ा सा नमक मिर्च बिल्कुल ऐड किया था ये मैदे के अंदर, और साथ ना फिर अब मैं बनाने लगी थी ये दिल के लिए और अपने लिए, तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने नमक मिर्च थोड़ा सा और ऐड किया था और इसको अच्छे से कर लिया था जी मिक्स। और ये हमारा चिकन है, बच्चों को मैंने पहले दे दिया था, क्योंकि बच्चों ने जो है वो स्कूल जाना होता है इस वजह से। और ये जी पानी था, ये ठंडा पानी हमने ना ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी थी, तो ये जो बचा हुआ था ना ये मैंने फ्रिज के अंदर ही रखा हुआ था, तो बस इसी के अंदर ना हम पहले इसको मैदे में अच्छे से कोट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, कोई जगह जो है ना वो खाली ना रहे, उसके अच्छे से जो है ना कोटिंग हो जाए एक बार मैदे की। और बस मैदे की एक कोट करके हम उसको जो है वो ठंडे पानी में ऐड देंगे, क्योंकि हमने इसके क्रम्स बनाने हैं, क्योंकि हमने बनाना है जी फ्राइड चिकन, जो क्रिस्पी क्रिस्पी सा होता है, वो जैवी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो जैवी को क्या दिल को ही पसंद है, सबको ही पसंद है, तो ये बड़े मज़े का बनता है। तो बस इस तरह जो है ना हम एक कोट करके इसको ठंडे पानी के अंदर ऐड कर देंगे।
और बस इसके बाद जो है ना हमने उसको 2-3 सेकंड के बाद ठंडे पानी से निकाल लेना है। और बस इस तरह से जो है ना मैं बारी बारी करती रहूंगी। और हमने दोबारा से उसको मैदे के अंदर एक बार कोट करना है और हमने अच्छे से मलना है ताकि ना इसकी अच्छे अच्छे से क्रम्स बन जाए। जब ये फ्राई हो गए ना तो फिर वही इसके क्रम्स बनेंगे जो मैदे से हमने उसको अच्छे से मला होगा, तो फिर वही क्रम्स होंगे उसके ना। तो क्योंकि हम और कोई चीज़ नहीं लगा रहे, सिर्फ मैदा लगा रहे हैं, तो हमने अच्छे से मसलना है उसको ताकि इसके क्रम्स बन जाए। ठीक है जी, ये देखें कितने अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। और इस तरह से मैं कर करके जो है ना सारे मैंने रख दिए थे, और एक तरफ मैंने जो है ना वो ऑयल भी रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए, और सारे जो है ना मैंने एक साथ बीच में डाल दिए थे, तो बड़े अच्छे से ना इनका कलर आ गया था। तो बस इस तरह बारी बारी करके डालते रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम ना हाई हो ना लो हो, थोड़ी मीडियम सी हो, और ताकि वो एकदम जल भी ना जाए और अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए। जब हम डालेंगे तो हम इसको जो है ना 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए एक साइड से। अगर हम उसको जल्दी से हिलाएंगे ना तो वो उसकी कोटिंग उतर सकती है, इसलिए आपने जो है ना वो पहले हिलाना नहीं है उसको, पहले अच्छे से जो है वो पक जाएंगे थोड़े से, फिर उसके बाद आपने उनको हिलाना है, टर्न करना है बारी बारी। तो ये जो है ना इस तरह से बड़े अच्छे से हो जाएंगे, और जब कलर आने लग जाए प्यारा सा गोल्डन सा, तो हमने उसको निकाल लेना है और हमारे जो है वो क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी हो जाएगा, बहुत ही मज़े का। जी साहब जी, ले आई मैं आपके लिए बना के, ये देखिए फ्राइड चिकन कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। गर्म है हाथ पे चिकन, क्रिस्पी है ना, कांटा नहीं है, वरना मैं भी खिच खिच करके बच्चा ने खा लिया था, बच्चों को मैंने बना के दिया, उन्होंने खा लिया, वो सो गए, और अब मैं ये बना के लाई हूँ दिल के लिए। चले जी खाएं, अभी गर्म है, चले खाते हैं, फिर हम तो बताते हैं कि कैसे बने। नाइस। क्रंची क्रंची, सही क्रंची। मैंने विंग्स बनाए थे तो मैंने कहा चलो ज़रा ड्रम स्टिक्स भी बना के देखते हैं कि कैसे बनते हैं। मैं भी खाऊंगी एक मैं एक खाऊंगी, बाकी सारे यही खाएंगे। केचप डाल लो, चलो